सिद्धार्थनगर जिले में आज निकाय चुनाव में सपा ने 2 नगर पंचायतों को छोड़कर 7 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों के लिए नाम का ऐलान किया। सपा पार्टी कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने प्रेस वार्ता कर बकायदा इसकी जानकारी दी। सदर नगर पालिका यानी सिद्धार्थनगर से राम सेवक लोधी तो बांसी नगर पालिका से श्रीमती चमन आरा रायनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं नगर पंचायतों में उसका नगर पंचायत से पुनीता यादव, कपिलवस्तु नगर पंचायत से आरती देवी, डुमरियागंज नगर पंचायत से कहकशा परवीन, बढ़नी चाफा से लक्ष्मी देवी, भारत भारी नगर पंचायत से विजय कुमार अग्रहरी, तो वहीं शोहरतगढ़ नगर पंचायत से गोपाल प्रसाद फौजी और बढ़नी बाजार नगर पंचायत से राम नरेश उपाध्याय को प्रत्याशी की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि सपा पूरी मजबूती से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि हर सीट पर इस बार सपा का कब्जा होगा। नगर पालिका परिषद बांसी चमना रानी, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर राम सेवक लोधी, बढ़नी नगर पंचायत राम नरेश उपाध्याय, सौरतगढ़ नगर पंचायत गोपाल पूरी, कपिल बस श्रीमती आरती देवी, उसका बाजार पुनीता यादव, डुमरियागंज ताकसा परवीन, भारत भारी विजय कुमार अग्रहरी, बढ़नी चापा श्री लक्ष्मी देवी यादव हमारे यहाँ बगावत कहीं नहीं है। हमने इसी कार्यालय में सर्वसम्मत से उम्मीदवार जो चुनाव लड़े हैं उनको लेकर पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व प्रमुख सबके सहयोग से, सबको प्रयास से हम लोग मिलजुल कर एक एक प्रत्याशी तय किए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।